उसके बाद में आपको क्या करना है थोड़ा समझना है इसके बारे में जैसे पैटर्न को ऑब्जर्वेशन करना है कैसे ऑब्जर्वेशन करोगे देखो पैटर्न्स ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न्स कैन गाइड यू इन सिंप्लीफाइंग प्रोसेस स्टडी द फॉलोइंग जैसे ये क्या है वन हंड्रेड सेवनटीन प्लस नाइन वन हंड्रेड प्लस नाइन इज इक्वल्स टू वन हंड्रेड सेवेंटीन प्लस नाइन को कैसे रिप्रेजेंट किया टेन माइनस वन ओके वी कैन राइट टेन माइनस वन तो देखो इधर प्लस पार्ट कौन सी है टेन प्लस वन हंड्रेड सेवेंटीन तो मिलकर वन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन हो गया माइनस वन वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स ओके आफ्टर दैट इस सेम नंबर से हम माइनस करेंगे वन हंड्रेड सेवेंटीन को वन हंड्रेड सेवेंटीन माइनस नाइन इज इक्वल टू वन हंड्रेड सेवेंटीन माइनस टेन प्लस वन ओके माइनस नाइन मीन्स की माइनस टेन प्लस वन तो माइनस नाइन आफ्टर दैट माइनस सेवेंटीन वन हंड्रेड सेवनटीन माइनस टेन तो वन हंड्रेड सेवन हो गया प्लस वन वन हंड्रेड एट अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स ऐसे पैटर्न बनाना है खुद को जैसे नाइन है नाइन को हम क्या लिखा माइनस माइनस नाइन है तो माइनस टेन प्लस वन और प्लस नाइन है तो प्लस टेन माइनस वन ओके आफ्टर दैट नेक्स्ट सी वन हंड्रेड सेवनटीन प्लस नाइन्टी नाइन इजिक्वल टू वन हंड्रेड सेवनटीन प्लस नाइन्टी नाइन मीन्स वन हंड्रेड माइनस वन टू टू देखो वन हंड्रेड के साथ 117 को प्लस किया तो 217 हंड्रेड सेवनटीन माइनस वन इजिकल टू टू आ गया ओके 217 हंड्रेड सेवनटीन माइनस वन टू ऐसे इजीली कैसे किया जाता है प्लस माइनस को आप ऐसे पैटर्न बना के इजीली कर सकते हो बहुत इजीली ओके okay, ये आपको खुद को सोचना है तो 99 है तो कैसे लिखना है देखो जैसे सेवनटी वन हंड्रेड सेवनटीन माइनस नाइन्टी नाइन इजिकल टू वन हंड्रेड माइनस नाइन्टी नाइन मीन्स माइनस हंड्रेड प्लस वन माइनस हंड्रेड से प्लस वन वन प्लस करोगे तो माइनस नाइन्टी नाइन बचेगा है ना जैसे माइनस टू से प्लस वन करोगे तो क्या बचता है माइनस टू से प्लस वन करोगे तो क्या बचता है माइनस वन बचता है ओके वैसे ही माइनस हंड्रेड से माइनस प्लस वन करोगे तो क्या बचता है माइनस नाइन्टी नाइन बचता है ओके ये हो गया माइनस नाइन्टी नाइन तो माइनस नाइन्टी नाइन क्यों हमको ऐसे पैटर्न में लिखा माइनस हंड्रेड प्लस वन ओके तो देखो वन हंड्रेड सेवन से माइनस हंड्रेड करोगे तो क्या ईजीली गेट यू यू विल गेट सेवेंटीन प्लस ये जो प्लस वन था प्लस वन तो एट्टीन आ गया ओके फ्टर दैट सम पैटर्न डज दिस पैटर्न हेल्प यू टू एड एन और सब्ट्रैक्ट नंबर ऑफ द फॉर्म नाइन नाइन्टी नाइन नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन सो ऑन मतलब नाइन नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन ऐसे हेयर इज वन मोर पैटर्न देखो एट्टी फोर इंटू नाइन इज इक्वल टू एट्टी फोर इंटू नाइन को कैसे लिखा टेन माइनस वन ओके आप चाहे एट्टी फोर इंटू नाइन्टी नाइन इजिकल टू एट्टी फोर इंटू हंड्रेड माइनस वन एट्टी फ़ोर इंटू नाइन नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन इजिकल टू एट्टी फोर इंटू थाउजेंड माइनस वन ऐसे ये पैटर्न आप चलते ही रहोगे कोई बात नहीं ऐसे पैटर्न बना सकते हो डू यू फाइंड ए शॉर्ट टू मल्टीपल ए नंबर्स बाई नंबर्स ऑफ ऑफ द फॉर्म नाइन नाइन्टी नाइन ट्रिपल नाइन ओके आफ्टर दैट डू यू फाइंड आपकी फाइंड कर सकते हो ए शॉर्ट ऑफ मल्टीपल ए नंबर बाय नंबर्स कोई भी एक नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो ऑफ द ऑफ द फॉर्म नाइनटी नाइन इस फॉर्म में से ठीक है इस फॉर्म निकाल सकते हैं ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना है जैसे देखो आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो वन देखो ऐसे पैटर्न बन सकता है वन इंटू नाइन निकल टू नाइन इलेवन इंटू नाइन इजिकल टू क्या होता है नाइन्टी नाइन वन हंड्रेड इलेवन इन नाइन इजिकल टू नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन ऐसे भी हो सकता है ये पैटर्न तो ऐसे ही बना सकते हो उसके बाद में सच शॉर्टेस्ट शॉर्टकट्स इनबल टू टू द टू डू सम वैली ओके आफ्टर दैट द गिवन पैटर्न्स सजेस्ट ये वे और मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंगे नंबर बाई फाइव और ट्वेंटी फाइव और वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव फॉलोइंग पैटर्न देखो फॉलोइंग पैटर्न सजेस्ट ये वे ऐसा पैटर्न है जो आपको सजेस्ट करता है uh, जिस नंबर को मल्टीप्लाइंग करोगे बाई फाइव और ट्वेंटी फाइव और वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव यू कैन थिंक एग्जैक्टली इन फार इट फारदर ओके अब ऐसे कर सकते हो और देखो नीचे जो पैटर्न है नाइन नाइन्टी सिक्स इंटू फाइव ये देखो ये जो अभी बोल रहा था फाइव से पहले मल्टीप्लाई किया ट्वेंटी फाइव से उसके बाद में वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव से ओके तो फाइव से मल्टीप्लाई करके क्या आया फाइव इंटू नाइन्टी फाइव ईक्ल टू फाइव टेन अपॉइंट टू ईक्ल टू फाइव तो लिख सकते हैं टेन अपॉइंट फाइव ओके तो टेन इंटू नाइन्टी सिक्स ईक्ल टू क्या होता है नाइन्टी नाइन हंड्रेड सिक्सटी अपॉइंट टू फोर हंड्रेड एट्टी ओके तो देखो स्टूडेंट्स ऐसे इजीली आप कर सकते हो जैसे 96 सिक्स इंटू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव को हम क्या लिख सकते हैं हंड्रेड बाई फोर तो ऐसे ही हंड्रेड इंटू सिक्स तो नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड बाई फोर इजकल टू टू थाउजेंड फोर हंड्रेड आफ्टर थ्री नाइन्टी सिक्स इंटू वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव इजगल टू नाइन्टी सिक्स इंटू थाउजेंड अपन एट कैसे वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव को एट से डिवाइड कर थाउजेंड को एट से डिवाइड करोगे तो वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव होता है तो हम इधर लिख दिया वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव डे वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव की जगह में थाउजेंड अप एट इजिकल टू दिस और आंसर आ गया दिस ऐसे ही आपको एक फॉलोइंग पैटर्न पैटर्न करना है जिसमें ये आप देख पाओगे कैसे हो रहा है इस पैटर्न में है? उसके बाद में देख लो ये जो एक लास्ट पैटर्न है वर्ड द पैटर्न दैट फॉलोज सजेस्ट सिक्सटी फोर फाइव जो पिछली वाला ये प्रोसेस दिखा था सेम टू सेम करके ये थर्ट ये काट कर दिया थर्टी टू इंटू टेन ओके तो थर्टी टू इंटू टेन ये मल्टीप्लाई करके थर्टी टू इंटू वन कर सकते हैं उसके बाद ये मल्टीप्लाई करके जो थर्टी टू इंटू थ्री आया तो थ्री हंड्रेड ट्वेंटी इंटू थ्री लिख सकते हैं क्योंकि थर्टी मीन्स क्या है टेन इंटू थ्री तो ये टेन से ये मल्टीप्लाई होके थ्री हंड्रेड ट्वेंटी आ गया और थ्री इधर बच गया ऐसे ही फाइव से ही ये मल्टीप्लाई थर्टी टू मल्टीप्लाई करके टेन थर्टी टू से मल्टीप्लाई करके ही आ गया और बाकी ये आ गया तो ये ऐसे पैटर्न चल गया वन थ्री देखो थ्री 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 हंड्रेड ट्वेंटी इंटू वन थ्री हंड्रेड ट्वेंटी इंटू फाइव थ्री हंड्रेड ट्वेंटी इंटू सेवन फाइव थ्री हंड्रेड ट्वेंटी इंटू सेवन ऐसे चलते रहेगा ऐसे मल्टीप्लाई करते रहोगे तो ठीक है ना तो स्टूडेंट्स ये भी एक पैटर्न है ओके आफ्टर दैट आपको और एक चीज बता रहा हूँ एक्सरसाइज में डायरेक्ट जा रहा हूँ इसी एक्सरसाइज में क्या करना है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री वीच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो कौन सी इसमें पैटर्न है जो रिप्रेजेंट नहीं करता है जीरो ओके वीच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो तो देखो ये रिप्रेजेंट नहीं करता है जीरो इंटू जीरो इजिकल टू जीरो तो रिप्रेजेंट करता है जीरो जीरो अपैन समथिंग इज इक्वल टू ज़ीरो होता है तो ये भी रिप्रेजेंट करता है जीरो तो ये ये चाह इसमें से भी जीरो टेन माइनस टेन मतलब जीरो जीरो अप टू मतलब ज़ीरो जीरो अपैन समथिंग इज इक्वल टू जीरो सो एक ही रिप्रेजेंट नहीं करता है क्योंकि ये इसमें प्लस है अगर मल्टीप्लाई होता तो ये भी जीरो हो जाता तो इधर प्लस है तो ये जीरो नहीं हो रहा है तो ये राइट होगा ओके आफ्टर दैट इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज ज़ीरो कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल वी जीरो जस्टिफाइड थ्रू द एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स अगर हम ये हमको पता है जीरो इंटू समथिंग मतलब ज़ीरो के साथ जीरो मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो जीरो के साथ वन मल्टीप्लाई करो तो ज़ीरो जीरो के साथ टू मल्टीप्लाई करो तो जीरो ज़ीरो के साथ हंड्रेड मल्टीप्लाई करो तो जीरो मतलब जीरो इंटू समथिंग इज ऑलवेज ज़ीरो और इवन एज ज़ीरो के साथ ज़ीरो मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज ज़ीरो तो हम कह सकते हैं इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज ज़ीरो कैन वी से दैट यस वी कैन से बोथ ऑफ देम विल बी जीरो या फिर वन और बोथ मतलब इनमें से एक तो जीरो होना कंपलसरी है ओके okay? तो हम यस yes कह सकते हैं ऐसी एग्जाम्पल देकर ओके आफ्टर दैट गोइंग टू द नेक्स्ट पेज इन द नेक्स्ट पेज इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज वन वी कैन से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी वन जस्टिफाइड थ्रू द एग्जाम्पल देखो सर स्टूडेंट वन इंटू वन इजिकल टू वन वन होता है ओके वन इंटू टू इजिकल टू टू होता है ओके okay? तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज वन टू होल नंबर का अगर वन होगा प्रोडक्ट टू होगा तो नहीं चलेगा तो वन होना चाहिए तो वन होगा कैन वी सी दैट वन और बोथ ऑफ देम विल वन ओके ओके देखो बोथ को वन होना चाहिए ओके देखो बोथ बोथ ऑफ देम ये रॉन्ग है ओके ओनली वन हाँ वन को नहीं होना मतलब वन वन रहेगा वन इंटू टू इजकल टू टू होता है तो ये नहीं होता है वन वन होगा कोई होल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज होल वन नहीं आता है लेकिन दो वन से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज वन आता है तो बोथ को वन होना चाहिए ओके सो स्टूडेंट ऐसी एग्जाम्पल दे के आप बता सकते हो आफ्टर दैट फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी